दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंडाल्को शेयर के बारे में, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। ये एक आदित्य बिरला ग्रुप जो है उस कंपनी का, एक्चुअली उस ग्रुप का एक ग्रुप की एक कंपनी है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फिर हम लोग इसके फाइनेंशियल देखेंगे, चार्ट पे ये कैसा लग रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस डेली मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस के बारे में। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली अल्यूमिनियम एंड कॉपर इसके प्रोडक्शन में काम करती है। दोस्तों ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। यहाँ पे जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। लार्ज कैप कंपनी है, 41,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लो रिस्क है दोस्तों, पी रेशियो जो है 10 का है, काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों, काफ़ी सस्ता शेयर है। इंडस्ट्री यहाँ पे सेक्टर का पी हम लोग देख सकते हैं वो 22 का है, मगर इसका पी रेशियो जो है वो सिर्फ 10 का है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये शेयर जो है वो काफ़ी सस्ता है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे दिख रही है 0.53, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि करंट प्राइस जो है लेस देन इंटरेस्टिंग वैल्यू है, मतलब काफ़ी सस्ता शेयर है, बुक वैल्यू से भी ये कम में ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। दोस्तों हम लोग अगर एक दिन का चार्ट देखें आज का, क्योंकि आज में निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, तो इसके कारण सारे शेयर गिरे हुए थे, तो इसी के कारण इस शेयर में भी हमें बड़ी गिरावट दिख रही है। इसी के कारण 4.41% का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। 1 वीक का अगर बात करें तो -1.42 का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 1 मंथ में दोस्तों 19% का ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे हमें आता हुआ दिख रहा है। 1 ईयर की अगर बात करें तो 3% का यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। 5 साल की अगर बात करें तो दोस्तों 5 सालों के अंदर इसने बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, जो कि है 131% का, मतलब डबल से भी ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं फोरकास्ट के बारे में, कितने एनालिस्ट इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि कितनी एनालिस्ट इस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 22 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया हुआ है और 100% एनालिस्ट इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों, जिससे हमें ये पता चलता है आगे जाके ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा शेयर है, कम रेट पे चल रहा है, 185 रुपीज़ पे है यहाँ पे अभी। इसके अंदर और भी गिरावट हो सकती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपको 180 से नीचे अभी आपको ये शेयर मिलता है तो आप इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एक्चुअली इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। अभी देख लेते हैं फाइनेंशियल पे ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों यहाँ पे देखें हम लोग तो इंडस्ट्री इस कंपनी ने, हिंडाल्को ने जो रिटर्न रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री से बीट करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। और इसका मार्केट शेयर जो है ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और नेट इनकम भी जो है वो ईयरली 34% से इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर जो है इसका जो नेट इनकम है वो भी अच्छा खासा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर इसका 16 का है, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पे आउट रेशो भी ज़बरदस्त है यहाँ दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न की। होल्डिंग पैटर्न में हमें यह पता चलता है कि प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड के पास और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट एंड फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितना पैसा है। प्रमोटर के पास दोस्तों 34% का होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 15% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 26% की होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास दोस्तों 18% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज और आप जैसे, में अदर पार्टीज का मतलब होता है आप और मैं जैसे नॉर्मल रिटेल निवेशक, उनके पास 19%, मतलब अराउंड 20% की होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। म्यूचुअल फंड इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाता जा रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी अगर हम देखें तो इसके अंदर अच्छी खासी
होल्डिंग जो है वो बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है, हालांकि उन्होंने थोड़ी सी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है कम की हुई ही है। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं अभी पीयर मतलब इसके कॉम्पिटिटर के बारे में, कंपटीशन में अगर हम देखें हिंडाल्को के, तो नैल्को है, नैल्को मतलब नेशनल एनुबिलियम कंपनी, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है। उसका पी आप क्लियरली देख सकते हैं, उसका पी जो है 49 का है दोस्तों, जो कि काफ़ी महंगी है। एमएमपी इंडस्ट्रीज और मनस्किया एल्यूमिनियम कंपनी, उसके हिसाब से हिंडाल्को जो है वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन लॉन्गर व्यू, लॉन्गर रन और एंड एज वेल एज शॉर्टर टर्म, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आगे जाके मल्टीबगर रिटर्न बनाने का दमखम इसमें है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में ये जो शेयर है आपको अब बात कर लेते हैं आगे आने वाले दिनों में वो कौन से रेंज पे हमें मिल सकता है दोस्तों। मैं अगर बात करूं आज तो आगे आने वाले दिनों में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको 172 से 181 के दायरे में दिख सकता है दोस्तों। तो अगर ये शेयर आपको 180 से अगर मिलना चालू हो गया वो हो जाएगा, या 170 से अगर आपको मिलता है तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी एंट्री बना के रख सकते हैं। 170 से नीचे या 180 से नीचे अगर आपको ये शेयर मिलता है, मुझे लगता है कि अगले आने वाले वीक में आपको इस ये जो शेयर है वो 170 से नीचे भी मिलने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो वहाँ पे आप इसको अकोमोडेट करके रख सकते हैं, जिससे आपको आने वाले कुछ दिनों में 20 से 30% का प्रॉफिट नियर फ्यूचर में मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है इस शेयर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।